जब भी हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आ जाता है बॉलीवुड का नाम, और बॉलीवुड के नाम से हमें याद आ जाता है बॉलीवुड के सबसे पावरफुल प्रोडक्शन हाउस का नाम, जो कि है धर्मा प्रोडक्शंस। अब चक दे इंडिया फिल्म में शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है, इस टीम का गुंडा मैं। वैसे ही पूरे बॉलीवुड का सिर्फ एक ही गुंडा है, एंड दैट इज धर्मा प्रोडक्शंस। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मा प्रोडक्शंस आगे इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी पॉपुलर बनी कैसे, तो उसी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो धर्मा प्रोडक्शंस की जर्नी शुरू हुई थी 1976 में यश जौहर के हाथों से। तो उसके बाद 1980 में धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर में उनकी पहली फिल्म दोस्ताना स्टारिंग अमिताभ बच्चन, वो फिल्म रिलीज की गई और वो फिल्म कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। बट उसके ठीक बाद ही 1984 में दुनिया और 1987 में मुकद्दर का फैसला, ये दोनों फिल्म बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उसके बाद 1990 में फिल्म अग्निपथ के थ्रू धर्मा प्रोडक्शंस ने अपनी किस्मत आसमाने की कोशिश की। वो फिल्म क्रिटिकली तो काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंट हुई, क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा फिल्म को पसंद किया था, पर बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फ्लॉप ही रही। उसके बाद महेश भट्ट के दो फिल्में डुप्लीकेट और गुमराह, वो दोनों फिल्में भी धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर पे उन्होंने बनाई, पर वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद धर्मा प्रोडक्शंस का जैसे स्केल ही एकदम डाउन हो गया था। पर उसके ठीक बाद ही ईयर 1998 में तो जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की किस्मत ही बदल गई। 1998 में यश जौहर के बेटे करण जौहर ने कुछ कुछ होता है फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया, स्टारिंग शाहरुख खान, काजोल एंड रानी मुखर्जी। वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके साथ साथ ही उस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था उसी साल। उसके बाद तो जैसे धर्मा प्रोडक्शंस को पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज़ खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी बैक टू बैक हिट फिल्म्स, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स वो देते आ रहे हैं। और आज धर्मा प्रोडक्शन सबसे बड़ी एक पावरफुल प्रोडक्शन हाउस बन चुकी है। तो अब बात करेंगे उन बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसकी वजह से आज धर्मा प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी है। नंबर वन, करेंट सुपरस्टार। सो देखिए, धर्मा प्रोडक्शंस की जो सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी यही थी कि जिस टाइम के जो सबसे बड़े सुपरस्टार थे उनके साथ ही काम करना, क्योंकि उस टाइम में 1980s 90s उस टाइम में फेस वैल्यू का एक मुर्दा रहता था। जैसे आप मान लीजिए 1980s में दोस्ताना फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ ही क्यों की गई, क्योंकि 1980s के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे। उसके बाद 1998 में शाहरुख खान के साथ ही कुछ कुछ होता है फिल्म क्यों की गई, क्योंकि 1995 में DDLJ के थ्रू शाहरुख खान एक बहुत बड़े एस्टैब्लिश सुपरस्टार बन चुके थे और उनका एक ग्लोबल मार्केट भी बन चुका था। इसी वजह से 1998 में शाहरुख खान की उस रोमांटिक इमेज को फिर से दौड़ाने के लिए करण जौहर ने शाहरुख खान के साथ ही वही फिल्म की। उसके बाद बैक टू बैक शाहरुख खान के साथ ही उन्होंने अपने शाहरुख खान का जो रोमांटिक इमेज है उसके थ्रू ही उन्होंने बैक टू बैक काम किया, लाइक कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना एटसेट्रा। पर ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा असरदार नहीं था, क्योंकि ये जो स्टार वैल्यू का जो एक फंडा था ये बहुत जल्दी गिर रहा था, क्योंकि लोग अब कंटेंट के थ्रू फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करने लग गए। तो उसके साथ ही यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई धर्मा प्रोडक्शंस ने, एंड दैट इज़ नेपोटिज्म। अब देखिए, नेपोटिज्म बॉलीवुड में कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत पुराने, मतलब धर्मा प्रोडक्शन जब से थी नहीं उससे भी बहुत पहले से ही नेपोटिज्म का ट्रेंड चलता आ रहा है। पर धर्मा प्रोडक्शंस ने तो जैसे इस ट्रेंड को एक, मतलब 10 गुना ज़्यादा ऊपर लेके चले गए, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर में बहुत सारी स्टार किड्स लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से आज भी लोग धर्मा प्रोडक्शंस को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल करते हैं, और उनके मालिक करण जौहर को भी। पर धर्मा प्रोडक्शंस का ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के थ्रू वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ने अपना डेब्यू किया, उनमें से दोनों स्टार किड्स थे। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे कि यार स्टार किड्स लॉन्च हो रहे हैं तो उनका तो एक फेस वैल्यू बनेगा, वो पॉपुलर हो गए, इसमें से करण जौहर का क्या फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे फ़ायदा है, वो फ़ायदा यही है कि 2012 में जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म रिलीज़ हुई वहाँ से क्या हुआ, वरुण धवन, आलिया भट्ट दोनों स्टार किड्स थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आउटसाइडर थे। पर वरुण धवन आलिया भट्ट के जो फादर थे उनका भी एक बहुत ही, मतलब रेपुटेटेड नाम है, जैसे डेविड धवन एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, महेश भट्ट भी डायरेक्टर है बहुत ही पॉपुलर। तो इसमें क्या हुआ कि
उन दोनों का एक पहले से ही एक फैन बेस है कि यार इनके बेटे लॉन्च हो रहे हैं तो हम लोग फिल्म देखने जरूर जाएंगे। तो इसी चीज को केटर करते हुए करण जौहर हमेशा नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं, इससे प्रोडक्शन हाउस का ही फायदा होता है। पर इस पॉइंट पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो यही है कि नए जो स्टार्स हैं उनका फैन बेस तो है ज़रूर, क्योंकि उनकी पीआर टीम बचपन से ही कर दी गई है, पर इसमें से प्रॉब्लम ये है कि उनके जो फिल्में हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो शायद जानते भी नहीं थे, क्योंकि 2012 में जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी तब उतना इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था, तो लोग अवेयर कैसे हो पाते थे। अब इसके साथ ही धर्मा प्रोडक्शंस की जो तीसरी स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि पब्लिक अपीयरेंस ऑफ स्टार्स, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में एक गाने में डिस्को दीवाने जो गाना था वहाँ पे एक सीन के लिए काजोल को दिखाया गया था, उसके बाद ए दिल है मुश्किल जो फिल्म थी वो एक स्टार ड्रिवन फिल्म थी, फिर भी उस फिल्म में शाहरुख खान और आलिया भट्ट का एक कैमियो रखा गया था। इसी के साथ साथ ही बहुत सारी फिल्मों में जैसे कुछ कुछ होता है फिल्म में सलमान खान का एक एक्सटेंडेड कैमियो था, इसी तरीके से जो पब्लिक जो एक स्टारडम है उन स्टार्स के कैमियो के थ्रू धर्मा प्रोडक्शंस एक ऑडियंस को के जो स्टारडम है उनके जो फैनबेस है उनको थिएटर तक खींचने का काम करती है। चौथे पॉइंट पे जाने से पहले बता दें कि धर्मा प्रोडक्शंस के साथ करंट सिनेरियो में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि 2019 के बाद से उनकी फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पे फेल होती आ रही थी। जैसे उनकी पहली फिल्म कलंक जो कि करण जौहर के पापा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको करण जौहर ने खुद बनाया, उसके बाद अभिषेक बर्मन ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, एक ह्यूज स्टार कास्ट के साथ वो फिल्म थी, पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। उसके बाद जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म है वो भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो बैक टू बैक टू फ्लॉप्स के बाद करण जौहर ने अपनी एक नई बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाई, एंड दैट इज प्री कैलकुलेशन। करण जौहर ने सोचा कि यार इसके बाद जो फिल्म थी उनकी ड्राइव वो फिल्म पहले थिएटर में रिलीज की जाने वाली थी, पर करण जौहर ने बाद में सोचा कि यार पहले ही दो लॉस हो चुके हैं तो उसके बाद इस फिल्म को हम डायरेक्ट OTT पे रिलीज़ कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन हाउस का जो बजट है वो रिकवर हो जाएगा, और थिएटर में रिलीज़ करने से रिस्क क्या होता है कि थिएटर में आप अगर किसी फिल्म को रिलीज़ करेंगे तो उसका फर्स्ट डे कलेक्शन क्या आएगा, सेकेंड डे कलेक्शन क्या आएगा, वो मतलब किसी के हाथ में नहीं आता। उसका फिल्म का कॉन्टेंट अच्छा है तो ऑडियंस देखने जाएगी, अगर फिल्म का कॉन्टेंट या आउटपुट अच्छा नहीं है तो ऑडियंस देखने नहीं जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो इसी के सहारे करण जौहर ने ड्राइव फिल्म को डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया, और उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन हाउस का जो कॉस्ट था वो रिकवर हो गया। इसके थ्रू सुशांत सिंह राजपूत और करण जौहर के बीच बहुत ज़्यादा अनबन हुई थी। इसके बाद उनकी गुंजन सक्सेना फिल्म को भी उन्होंने डायरेक्ट OTT पे रिलीज कर दिया, क्योंकि पता था कि जानवी कपूर की फैन बेस जरूर है पर वो फिल्म का जो सब्जेक्ट था उसके वो देखने के लिए ज़्यादा लोग थिएटर में जाने वाली है नहीं। पर इसके साथ साथ ही करण जौहर ने एक और एक टेक्निक अप्लाई की यहाँ कि जानवी कपूर एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, तो बहुत से लोग शायद नेपोटिज्म का जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते फिल्म देखने नहीं जाएंगे। तो उसके साथ साथ ही क्या किया कि जो अभी के जो स्ट्रगलर एक्टर्स है, जो करंट जो स्टार एक्टर्स है लाइक पंकज त्रिपाठी, विनीत कुमार एटसेट्रा, इन लोगों को गुंजन सक्सेना में कास्ट कर दिया। इसकी इस बारे क्या होगा कि बहुत से लोग पंकज त्रिपाठी को देखते हैं जो कि बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, विनीत कुमार जो कि ऑल्सो एक वर्सेटाइल एक्टर है, उन दोनों को देखते हुए शायद फिल्म देखेंगे। तो इसके साथ ही करण जौहर ने एक दूसरा पैंतर आजमाया। अब बहुत से लोग एक ही बात सोच रहे होंगे कि यार ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस की ये तो दूसरे प्रोडक्शन हाउस भी यार कुछ कुछ करते हैं, जैसे नदियादवाला ग्रैंडसन भी ऑल्सो ये सब पॉइंट्स अप्लाई करते हैं, वो भी आहान शेट्टी को उन्होंने लॉन्च किया, टाइगर श्रॉफ को लॉन्च किया, तो वो भी तो ये सब चीज़ें कर रही है। पर धर्मा प्रोडक्शंस इन सब से ज़्यादा आगे कैसे निकल गई? अब उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये लास्ट पॉइंट, जिसके बगैर ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल ही बेकार है, जिसकी वजह से आज धर्मा प्रोडक्शंस बॉलीवुड का सबसे पावरफुल और सबसे नंबर वन पावरफुल प्रोडक्शंस बन चुकी है, एंड दैट इज़ मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अब देखिए धर्मा प्रोडक्शंस की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसी वजह से जो पैन इंडिया फिल्म्स है बाहुबली 2, बाहुबली 1, उसके बाद 2.0 और रिसेंटली लाइगर जो फिल्म आ रही है विजय देवराकोंडा की, वो फिल्म्स धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर ही वो हिंदी बेल्ट पर रिलीज़ कर रहे हैं। और पिछली जो फिल्में थी मैंने जो डिस्कस किया 2.0, बाहुबली 2, वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी। अब हिंदी बेल्ट पे अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार वो फिल्में तो साउथ के जो सुपरस्टार थे उनके थ्रू उनका जो फैन बेस है उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, इसी वजह से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हुई। अगर ऐसा ही हो तो मेजर फिल्म जो हिंदी बेल्ट पे रिलीज की दी गई थी वो फिल्म भी आज बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती हिंदी बेल्ट पे, पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो अब धर्मा प्रोडक्शंस का जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में रह रहे हैं और उनको पता है कि हिंदी बेल्ट पे किस तरीके से प्रमोशन किया जाता है, तो इसी थ्रू ये जो पैन इंडिया फिल्म्स हैं ये धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही ज़्यादातर वो काम करना चाहते हैं हिंदी बेल्ट पे, जैसे ही उनकी फिल्म को प्रमोशन मिल सके। तो इसी कारण से धर्मा प्रोडक्शंस सबसे ज़्यादा आगे है बाकी प्रोडक्शन हाउस में। जैसे कलंक फिल्म
कलंक फिल्म ओवरऑल तो बहुत ही एक घटिया फिल्म थी, बहुत ही डिजास्टरस एक फिल्म थी, पर उस फिल्म का प्रमोशन आप देखिए बहुत ही हाई लेवल पे उस फिल्म का प्रमोशन किया गया था। मीडिया हाउसेस, जो यूट्यूबर्स है, बीवी की वाइंस, आशीष चंचलानी एटसेट्रा, उन लोगों को एक शो में बुला के, वरुण धवन, आलिया भट्ट जो फिल्म के स्टार कास्ट थे उनको यूट्यूबर्स के जो यूट्यूब चैनल में वहाँ पे जाके उन्होंने प्रमोशन किया। तो इस तरीके से बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एक प्रमोशन किया गया था उस फिल्म का। तो इसी वजह से धमा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आगे है बाकी प्रोडक्शन हाउस के कंपैरिजन में। तो इस केस स्टडी के थ्रू हमने आखिर क्या क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, करेंट सुपरस्टार। पॉइंट नंबर 2, नेपोटिज्म। पॉइंट नंबर 3, पब्लिक अपीयरेंस ऑफ स्टार्स। पॉइंट नंबर 4, प्री कैलकुलेशन। एंड पॉइंट नंबर 5, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। सो यही सारी स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से आज धर्मा प्रोडक्शंस बॉलीवुड का नंबर 1 पावरफुल प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। सो दैट इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।